एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिगड़ के जो बच्चों ने कहा था, कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिगड़ के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को, बात होगा तुम्हारी जरूरत नहीं हमको, हमारी बर्बादी के राज तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और मैं गुलमर्ग की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा? अरे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से? पूछो आप अपने आप से, जवाब दो कि क्या गुलबर्गे की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत, क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी यहां से, कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है, महासेवा करो, गर्दन जो मोड़ो, झुके देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तदार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। हर गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अकलमंदों का साथ दिया, याद रखो गुलबर्गे की आवाम। मेरी सरदार माँ और बहने, मुझे माफ करना अगर मेरे अल्फाज आपको गलत में पैगाम दे रही है।